इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आज हमारे विशेष मेहमान हैं किशोर समृति जी। जो लोग किशोर समृति जी को जानते हैं उन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते हैं मैं चाहूँगा कि वो गूगल सर्च कर लें कि किशोर समृति क्या है। किशोर समृति वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, सुकन्या केस में सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दिया था। किशोर समृति वो हैं जो सपा से एमएलए रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के लांजी विधानसभा क्षेत्र से, बालाघाट जिला में आता है, और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव जो इतना कॉस्टली होता जा रहा है। इनका कहना था कि या तो चुनाव आयोग उस कॉस्ट को कम करे या फिर मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी किडनी बेचकर चुनाव लड़ूं। तो इस तरह के कई क्रांतिकारी इन्होंने कदम उठाए हैं राजनीति में। मैं डायरेक्ट रूबरू होता हूं किशोर समृति जी से। किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली में। किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सीधे राहुल गांधी पे हाथ डाल दिया था सुकन्या रेप केस में, रेप का आरोप सीधे आपने लगा दिया था, क्या एविडेंस था आपके पास राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, मैंने फरवरी 2012 में लखनऊ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी सुकन्या के बलात्कार केस को लेकर। जी जी। उस दौर में आपको पता होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बना मनमोहन सिंह उनके घर का नौकर होता था। अच्छा। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि देश में गांधी, मतलब आप कहें कि मनमोहन सिंह उनके घर का नौकर था। अच्छा। ना, इसलिए कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो संसदीय दल का चुनाव हुआ नेता होता है। संसदीय दल का चुनाव हुआ नेता मतलब इलेक्टेड जितने एमपी हैं उनका नेता। अब उसके लिए आपको पार्लियामेंट से चुन के आना पड़ेगा। वो लोकतंत्र का सबसे पहले मजाक उड़ाया इन लोगों ने। 10 साल तक इस देश में राज्यसभा से प्रधानमंत्री बना और इसी की सजा इस देश की जनता ने उस गांधी परिवार को और कांग्रेस को दी है कि आपने बैकडोर से देश का प्रधानमंत्री चुना। अब देश में लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं, इसलिए जनता ने आपको बायकॉट कर दिया। उसकी जगह फिर देश में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। मेरा सवाल यह है कि जब आपने मुझसे कहा कि आपके पास क्या एविडेंस है, तो मैं उस समय समाजवादी पार्टी का विधायक होता था बालाघाट से और मुलायम सिंह जी मेरे नेता थे। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार को मनमोहन सिंह ने और पी चिदम्बरम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कसना शुरू किया सोनिया गांधी के प्रेशर, और पूरा परिवार जेल जाने वाला था। तब मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी के साथ 138 पिंडारा पार्क में हमारी बैठक हुई, उन्होंने मुझे सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाए कि राहुल गांधी का मैटर है, देखो किशोर जी क्या हो सकता है, क्योंकि वो मानते कि अखिलेश यादव ने उपलब्ध करवाया। हाँ, मुझे उपलब्ध करवाया था। मैंने तो सीबीआई को बताया भी था, एफिडेविट में दिया था मैंने सारी चीज़ें। और जब मैं वो मामले को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में मैंने पेश किया तो उससे पहले एक पीआईएल लग चुकी थी। पीआईएल में हाईकोर्ट लखनऊ ने आदेश किया हुआ था कि मैटर पीआईएल का नहीं है, हैवियस कॉर्पस में, मतलब पीआईएल का नहीं है एक आदेश। तो मुझे मालूम था कि ये मैटर कहाँ लगेगा। मैंने उसको लखनऊ हाईकोर्ट में पहले सरकार को चिट्ठी लिखी, गवर्नर उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखा कि भाई सुकन्या बलराम सिंह की बेटी, उसका भाई, उसकी माँ लापता है और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जाँच करवानी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच नहीं करवाई और गवर्नर हाउस से मुझे पत्र आया, फिर उसके बाद मैंने हैवियस कॉर्पस लगाई। जस्टिस आरडी शुक्ला ने यूपी गवर्नमेंट को और उसमें जो राहुल गांधी थे, राहुल गांधी को भी हमने पार्टी बनाई थी, तो उसको नोटिस किया कि एक सप्ताह में सरकार सुकन्या को पेश करे। अब हैवियस कॉर्पस में ये होता है कि जब सरकार को नोटिस होता है तो सरकार को ही प्रस्तुत करना होता है जो परिवार मिला या नहीं मिला। एक सप्ताह के अंदर ही इस पूरी पिटीशन को एक गजेंद्र पाल सिंह है अमेठी का रहने वाला, अच्छा मैं, उसने जस्टिस इवन सिंह के यहाँ पे एक परिवार पेश किया, शीला उर्फ मोना, डॉक्टर बलराम सिंह और उसकी पत्नी, ऐसे तीन लोगों को इन्हें पेश किया और कहा कि देखो सुकन्या मामले में जो हैवियस कॉर्पस लगाया वो टोटल इलीगल है, गलत है और ये परिवार मिल गया, इसने कोर्ट में पेश किया। जबकि अगर वो परिवार मिल गया और वही सुकन्या थी तो इसको किसको पेश करना चाहिए? डीजीपी उस समय थे करमवीर सिंह।
और लोकल अमेठी का जीएसपी वो उसको पेश करता है, लेकिन एक बड़ा एक साजिश के तहत एक फर्जी परिवार पेश कर दिया, और उसी फर्जी परिवार को देख के जस्टिस सीवीएन सिंह ने मेरे ऊपर 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश किया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी के एक लायर हैं मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, इनने कहा है कि जिस वेबसाइट से किशोर समृद्धि ने पेपर्स निकाले हैं या जो समाजवादी पार्टी ने इसको उपलब्ध करवाया, वो वेबसाइट को हमने राहुल गांधी की छवि खराब करने के मामले में हमने उसको नोटिस दिया हुआ है। कौन सी वेबसाइट थी? अब मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट, सीबीआई ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। अब मेरा कहना है कि राहुल गांधी सुकन्या मामले में तो आपके आपको समझ में आता है कि बड़ा पाक साफ आदमी है। जब बोस्टन में ड्रग के मामले में पकड़े गए थे राहुल गांधी और सोनिया जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री उनके पास गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने घर के बच्चे की तरह उसको मदद की थी और उसको उस मामले से निकाला था। ये बात भी कांग्रेस को पता होना चाहिए। ये अटल बिहारी की सरकार में सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जार्ज के इनकम टैक्स की रेट हुई थी। अटल जी ने हस्तक्षेप किया कि चलो भाई ये भी हमारे परिवार की तरह है, उनका ना अप्रेजल रिपोर्ट बनाई ना विंसेंट जार्ज के खिलाफ चार्जशीट हुई। इस पूरे मामले में जब मेरे ऊपर कार्ट लगी तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी जो 50 लाख की कार्ट को रजिस्टर कर दिया, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी को कंटिन्यू रखा। अच्छा, 50 लाख को स्टे कर दिया? 50 लाख को स्टे कर दिया, जस्टिस सिरपुरकर ने स्टे किया। जस्टिस स्वतंत्र कुमार इसमें फाइनल हियरिंग किया, जिसमें जस्टिस स्वतंत्र कुमार, टी एस ठाकुर, ये सब लोग उसमें आए। तो जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इस पूरे मामले में अपनी हियरिंग में बड़ा गोलमाल उसमें जजमेंट किया। याद आपको इससे पहले और बीच में एक रोक के मैं आपको बताता हूँ, अभी जो जस्टिस दीपक मिश्रा जो सीजेआई थे उनके खिलाफ जो 4 जजों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जज मामलों को उलट पुलट किया जाता है, किस तरह राजनीतिक लोगों की मदद की जाती है, उसमें जिन 10 मामलों का जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया में किया था 4 जजों ने, उसमें एक मामला किशोर समृद्धि और राहुल गांधी भी था। अच्छा, ये था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी माना कि इस मामले में किशोर समृद्धि के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और इस मामले में सही में हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। इस मामले में जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने 50 लाख रुपए का जुर्माना गजेंद्र पाल सिंह पे लगाया कि आपने फर्जी परिवार पेश किया। इसका मतलब है कि सुकन्या लापता है। लापता, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया सुकन्या, उसका परिवार, उसके पिताजी, उसके भाई, ये पूरे लापता है। और अमेठी में जिस गेस्ट हाउस में उनका गैंगरेप हुआ है, उस गेस्ट हाउस का सीबीआई ने इंक्वायरी किया। सीबीआई ने इंक्वायरी कम किया, मुझसे बार बार सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछते रहे कि इस पूरे मामले में आपको फीस किसने दी। अच्छा, ये सीबीआई, ये सीबीआई मुझसे पूछती कि आपको फीस किसने दी। गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, और सीबीआई का टोटल ये था कि इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह शामिल है। आपके बीजेपी नेताओं से किन किन से संबंध थे? तो मैं मतलब एक मिनट किशोर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई आप पर प्रेशर डाल रही थी कि आप इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम ले रहे? बिल्कुल बिल्कुल, और तब गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम, मैं तो जानता ही नहीं था क्योंकि मेरा मैटर दूसरा था। हमारा मैटर ये था कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस आरोपी बना के उनके खिलाफ चार्जशीट करना चाह रही थी। ये मामला जैसे ही मैंने उठाया तो इस पूरे मामले में कांग्रेस बैकफुट पे आ गई, मुझे समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव ने आपको सारे दस्तावेज दिए और उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया? पार्टी से निकाल दिया मुझे प्रोफेसर राम गोपाल, मेरा रेजिग्नेशन जो लेटर होता है, मतलब पार्टी से निष्कासन पत्र लेके सोनिया जी के पास गए प्रोफेसर राम गोपाल, और सोनिया जी से कहा कि देखिए मैडम जी, हमने अपनी पार्टी से किशोर समृद्धि को निकाल दिया है। किशोर समृद्धि ने जो राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला लगाया उसमें हमारा कोई रोल नहीं, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता था, मैंने ही आपकी सबकी मदद की और आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। तो एक प्लान था, मतलब ये समझ लीजिए कि यानी मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, यानी जो सपा अपने ऊपर जो पूरी फैमिली जो फंस रही थी उसके लिए आपको एक बलि का बकरा ढूंढा, पूरा दस्तावेज उपलब्ध कराया, और जब ये आया कांग्रेस बैकफुट पे चली गई क्योंकि राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा, और कांग्रेस ने फिर रोक दिया होगा आय से अधिक संपत्ति मुलायम परिवार पे, फिर सपा ने आपको बाहर निकाल दिया और रामगोपाल सीधे जाकर
सोनिया गांधी से मिले कि देखो जी मैंने निकाल दिया, ये आपका है। बस बस इतना सा पूरा काम है। और इस पूरे मामले में सीबीआई ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पे तो कहीं कुछ बातें नहीं की। अच्छा, इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती रही कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से किशोर समिति का क्या रिलेशन है, नरोत्तम मिश्रा से क्या रिलेशन है, और मोदी और अमित शाह से क्या। भाई मेरा उस दौर में तो मोदी और अमित शाह जैसे मेरा कुछ मतलब ही नहीं था, कोई बातचीत ही नहीं थी। ये बात और है कि मैं जब यहाँ से मेरे यहाँ जब सीबीआई की रेड हुई थी उसके एक दिन पहले मैं काठमांडू जा रहा था नेपाल, तो मैं जो इस समय के जो मुख्यमंत्री क्या नाम था उत्तर प्रदेश के, योगी जी से मैं मुलाकात किया था। योगी किस सन की बात है? सन 2012 की। तो उसी के यहाँ मैं योगी जी से मिला, फिर योगी जी ने मेरा बड़ा स्वागत सबका अच्छे से बातचीत किया, और उस समय सांसद होते थे योगी जी गोरखपुर से। तो इतने तो सीबीआई को ये पता था किशोर समिति की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से? तो मुझे मैं योगी आदित्यनाथ जी को काफी पसंद करता हूँ, कई मुद्दे पे मुझे अच्छे लगते हैं, उनका बातचीत काम कर पहले भी अच्छा लगता है, पहले पार्लियामेंट में उनका डिबेट अच्छा होता था, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं चूंकि गोरखपुर से गुजर रहा था, मैंने उनसे ब्रेक कर ली, और कोई दूसरी वजह थी। तो सीबीआई के पास ये था कि मैंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, इसलिए मेरे संबंध आरएसएस के नेताओं से हो सकते हैं, बीजेपी के सारे नेताओं से हो सकते हैं। तो सीबीआई मुझ पर यही प्रेशर कर दिया। अब उस दौर में शायद यदि मैं मोदी जी का और अमित शाह का नाम ले लेता या किसी भी बीजेपी नेता का नाम ले लेता, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कांग्रेस पार्टी छोड़ती, मतलब उसको इतने मुकदमे ला देती कि उसका बहुत मुश्किल कर देती। तो आपको टॉर्चर भी किया था सीबीआई? टॉर्चर तो मतलब टॉर्चर तो हर तरह का टॉर्चर करता है सीबीआई में, सीबीआई का पूछताछ। उसके बाद ही तो फिर मैंने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ भी शिकायत किया, मैंने अखिलेश यादव और मायावती के पूरे मैटर को लेकर, मैंने जो एनसीपी का शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का जो विमान वाला जो मैटर था प्रफुल्ल पटेल का, वो भी फिर मैंने रंजीत सिन्हा के खिलाफ शिकायत किया। तब जाके फिर सीबीआई थोड़ी ठंडी, उनको लगा कि अब ये आदमी हमसे दबने वाला नहीं है। तो मतलब इतना जबरदस्त, आप देखो ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनको तो क्लीन चिट दे दिया, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मैटर में ताज कॉरिडोर मामले में अब तक मायावती के खिलाफ चार्जशीट नहीं किया सीबीआई, कितना साल हो गया। अभी विमान खरीदी मामले में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चार्जशीट नहीं किया सीबीआई। तो इससे देश की जो बड़ी संस्था है इसके ऊपर लोगों को सवाल उठते हैं। फिर मैं लौटूंगा सुकन्या में, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो सुकन्या और उसका परिवार आज तक मिला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आपका जो केस था, मैं जानना चाहूंगा कि उस गेस्ट हाउस में हुआ क्या था, वो केस क्या था सब? देखिए थोड़ा सा लाउडली अगर। देखिए राहुल गांधी अमेठी जो गेस्ट हाउस, अब उस और आपकी मजे की बात, उस रोड का जो सब कुछ एड्रेस वड्रेस लोगों ने सारा बदल दिया, आपको मूल बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो अमेठी जो गेस्ट हाउस है, जो गांधी परिवार का गेस्ट हाउस जहाँ पे लोग जाके ठहरते हैं, जहाँ से इनका पूरा कई पीढ़ियों से इलेक्शन का संचालन होता है, उसी पर्टिकुलर इस घर से राहुल गांधी, उसके दो दोस्त इटली के, एक दोस्त ब्रिटेन के, ऐसे पांच लोग ये लोग गए, और बलराम सिंह की बेटी सुकन्या जब इनसे मिलने आए, चूंकि बड़ी प्रोफाइल होती राहुल गांधी की, राहुल गांधी आए तो लोग छोटे लोगों को लगता है कि चलो राहुल मिल लेते हैं, वो बच्ची मिलने गए, इनके दोस्तों को पसंद आ गई वो लड़की, तो इन लोगों ने उसके साथ रेप किया। ये क्या थी, मतलब बलराम सिंह का कोई वर्कर था? हाँ, बलराम सिंह का वर्कर था, वर्कर की बेटी से, वर्कर की बेटी से रेप किया। ठीक है, ये तो बड़ा मैटर है। और ये पूरे मामले में बलराम सिंह की जो पत्नी है, पिताजी तो बलराम सिंह खामोश रहे चूंकि वो बेचारे गुलाम थे, लेकिन उसकी जो माँ है, माँ ने एक्शन लिया, माँ ने और भाई ने। तो जब ये एनएचआरसी में आए लोग, और एक सीपीएम की नेता है उसका जो उससे मुलाकात करने आया उसका परिवार, उसके बाद वापसी में इसका कुछ पता नहीं चला, उसके परिवार अभी तक नहीं मारा, अभी तक पता नहीं चला। इस पूरे मैटर पे जांच तो होना चाहिए पूरी बेहतर तरीके से। दूसरी बात, इस पूरे मामले में जस्टिस यूएन सिंह चूंकि हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ अभी भी हैं, अभी पता नहीं जानी मुझे। अच्छा, जिन्होंने आप पे 50 लाख लगा था, जिनपे 50 लाख, तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था दिग्विजय सिंह ने कराया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कराया था, तो इतना माला तो लोग जपेंगे। राहुल गांधी पूरी की पूरा जो सिस्टम है वो मेरे खिलाफ ही काम किया, पूरा का पूरा सिस्टम राहुल गांधी के पक्ष में ही काम किया। अगर किसी गरीब का बच्चा होता तो पता नहीं उसके साथ क्या करते लोग, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप होता। अगर उस दौर में प्रॉपर इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो मैं नहीं मानता कि देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती। जब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी बलात्कार से बच गया, तो उसमें कोई एविडेंस था वहां के लोगों का?
सारे एविडेंस थे, सब चीज़ था उसमें। एक पत्रकार है, एक अग्रवाल, वो तो श्रीलंका शिफ्ट हो गए। जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई सब चले गए, तो सबको देश छोड़ना पड़ा। हाँ, देश छोड़। अरे आपसे बताएं कि जो भी गांधी परिवार के पैरेलल खड़ा हुआ, सचिन पायलट के फादर हुए राजेश पायलट, राजीव गांधी के पैरेलल खड़े हुए थे, मादर ऑफ इंडिया खड़े हो गए थे राजीव गांधी के, उनका आज दुनिया में पता नहीं। तो जो राहुल के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ क्या होगा? आज हमारे साथ भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आज हमारी भी पोजिशन कोई बहुत अच्छी थोड़ी, कब सरकार हमें मारते कब क्या करते कोई भरोसा नहीं होते। हमारी सिक्योरिटी जो है, जो बीजेपी के दौर से हमारे पास सुरक्षा है। अच्छा, आपको सुरक्षा दी गई? हाँ, दो ठो जवान है, कुछ ना कुछ सुरक्षा। वो तो कभी भी हम, वो जवान ही मुझे मार देंगे जितने सरकार को देगी। तो हमारी इसी तो वहाँ पर खड़ा होगा। तो उसमें और क्या, मैं वो थोड़ा सा और डिटेलिंग जानना चाह रहा हूँ कि पांच लोगों ने, ये आरोप है कि पांच लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उस लड़की को क्या फेंक दिया, क्या किया? लड़की का कुछ ही पता, उस लड़की जब दिल्ली आई एनआरसी में मिली, दिल्ली से वापसी आने के बाद उसका कौन, माँ का पता नहीं, भाई का पता नहीं, और माँ का पूरे परिवार का, पूरा परिवार। तो गाँव वाले नहीं बताते कहाँ गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा पूरा अमेठी में। तो आज के दौर में अब उस पूरे मामले में सरकार यदि बेहतर इंक्वायरी कराए तो सब कुछ सामने आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आपका जो केस है ये 2012 में शायद इसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसमें एक लाइन तो लिखा ना उन्होंने, बलराम सिंह और डॉक्टर बलराम सिंह और शीला और मोना और एक लड़की को जो पेश किया वो सुकन्या नहीं है, वो लिखा ना। हाँ, वो कि फर्जी फैमिली है, वो फर्जी फैमिली, उसके ऊपर जुर्माना लगाया 5 लाख रुपए का, और मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि आपने आरोप को साबित नहीं कर पाया। अच्छा, 5 लाख का जुर्माना और किस पे लगा? वो गजन पे। गजन पाल पे। तो उससे तो बात चलो, मेरे ऊपर तो चूंकि गवर्नमेंट थी तो जस्टिस को थोड़ा सरकार से दबना पड़ता है। तो मेरा तो ये है कि देखो, आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन है कि आपको कहीं भी अपराध की सूचना मिलती है तो कोई भी व्यक्ति सरकार को, न्यायालय को, पुलिस को उपलब्ध करवा सकता है। पुलिस प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद ये बात पाई जाए कि सही है या गलत है। तो उसमें तो इन्वेस्टिगेशन इस बात पे नहीं हो रहा था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि ये दस्तावेज सही है या गलत है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी मार्क नहीं किया? कुछ नहीं किया। उस दौर में जब कांड हुआ था उस दौर में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने जांच नहीं कराई थी इस पूरे मामले। इसका मतलब यह है कि सपा और कांग्रेस ने अपनी डीलिंग की, आपको बलि का बकरा बनाया और सुकन्या और उसकी पूरे फैमिली को खत्म करवा दिया, खत्म करा दिया, जो आरोप है खत्म करा दिया। जिस पत्रकार ने इसको उठाया उसको श्रीलंका भागना पड़ा, श्रीलंका भागना पड़ा। मतलब देश में कहने को लोकतंत्र है, कहने को, पर सरकार से लेके न्यायपालिका तक जे जे। अगर सही मुद्दे को आप उठाएं तो क्या सजा भुगत सकते हैं आप? ये आप उदाहरण है इसके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने किसी भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ यदि आपने कोई भी आवाज उठाई तो इस देश में लोकतंत्र फिर आपके लिए नहीं है, फिर सारे आपके रास्ते बंद, कहीं कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं। अब इस दौर में हम लोग बुरी तरह तबाह हो गए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब थोड़ा सा सब तरफ से हम लोग, मतलब ये किशोर सभी थे वही होता है जो जेल से चुनाव जीत सकता है। बाहर उसकी ये हालत है कि मतलब 2 रुपए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं, कितनी बेचने तक, कितने बेचने तक की, वही ये स्थिति में हम लोग आ गए, पूरा हमने हमारा करियर खत्म कर दिया। और सपा ने आपको निकाल दिया? सपा निकाल दिया, सपने निकाल दिया। इस पूरे दौर में एक आदमी ने पर मुझसे फोन पे और बात की थी, वो था नितिन गडकरी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन थे तब, हाँ थे तब, उन्होंने टेलीफोन लगा के मुझसे बात की थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उनका भी रिस्पांस नहीं था, रिस्पांस नहीं। और इस पूरे मामले में और मजे की बात आपसे बता रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 में किताब छापी थी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में, राहुल बनाम रावण। उस किताब का भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा प्रचार किया और उसके दम पे 2014 ये लोग आ गए। इसी मामले में राहुल गांधी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि राहुल गांधी को लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना किया, सुकन्या केस से। लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जो आज बड़े मुकाम में है, उनने कभी किशोर समृद्धि को पूछ के नहीं देखा कि किशोर समृद्धि जी आप जिंदा हो मरे हो, और इतना बड़ा आपने हमारे लिए बलिदान दिया, हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, किसी ने निकाला। बस सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ सिक्योरिटी तो मेरा स्टेटस है, क्योंकि मेरे साथ नक्सलियों का थ्रेट है। मैंने दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की पिटीशन की थी, नक्सलियों के खिलाफ मैंने पिटीशन की थी, और राज ठाकरे और हमारा भी काफी कुछ, अब तो खैर राज ठाकरे बीजेपी में आ गए, बीजेपी में अभी नहीं है, लगभग बीजेपी सपोर्ट में ही है, सपोर्ट में ही है वहाँ पे, तो अब वो स्थिति नहीं। लेकिन राज ठाकरे और हमारे बीच में काफी कुछ टकराव था, तो
वहाँ की जो लोकल प्रशासनिक व्यवस्था है उसने मेरे को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई, उसमें किसी का कुछ नहीं, वहाँ के लोकल एसपी ने। मतलब आज राहुल के मामले में भारतीय जनता पार्टी भी उस मामले को नहीं उठाना चाहती, जिनकी केंद्र में सरकार है, इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इतने मजबूत गृह मंत्री हैं, और एक दौर में जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई बार बार चिदम्बरम जी की सीबीआई कहूँ उस समय कि कहती थी बार बार कि इसमें आप अमित शाह और मोदी का नाम लो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तब भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ये जो राजतंत्र की व्यवस्था है लोकतंत्र में, क्या कोई भी इस तरह से खुल के राहुल गांधी सोनिया गांधी पे के खिलाफ नहीं आ सकता, कोई भी पार्टी सरकार चाहे बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप इनकी स्थिति देखो, सदन के भीतर भी अगर कोई जरा सी बात हो जाती है तो पूरा का पूरा बहुमत रहते हुए भी कांग्रेस उनकी सरकार में चले गई, हताश और निराश हो जाते खुद अपनी सरकार चलाने। CAA और NRC को लेके भी अगर आप बात करो तो कांग्रेस ने पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था CIA से मिलके, अपना ISI से मिलके जिस तरह इस देश में मुसलमानों का जिहाद खड़ा करवाया, उसको सरकार संभालते संभालते परेशान हो गई। इतना सारा सिस्टम, जैसे याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन के बाद जब कांग्रेस की सरकार बदनाम हुई, अमेरिका ने CIA ने जब तय कर लिया कि भाई मनमोहन सिंह को हटाना है, तो अमेरिका ने ही इनको पूरी तरह से ठिकाने लगाया। अमेरिका की गुप्तचर संस्था जो CIA है वो ISI से मिलकर इनको अपलेस किया था, भागते फिर सरकार। क्यों अमेरिका ने, क्यों आपको इसमें, आप किस आधार पर कह रहे हैं अमेरिका ने? मेरी सलाह ही नहीं, मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ जब अन्ना हजारे जिस समय अनशन पे बैठे। तो आप कह रहे हैं कि अन्ना का जो पूरा मूवमेंट था वो CIA फंडेड था? हाँ बिल्कुल, CIA फंडेड था। बंद की बात है, आप देखो उस दौर में, आप देखना सारे के सारे देश का प्रधानमंत्री उस समय की जो स्थिति, क्योंकि कोई मीडिया सुनने तैयार नहीं था मनमोहन सिंह की एक आवाज, जबकि पूरा बजट था उसके पास में, अगर ये सब होता इतना तो ये CIA बड़े ताकतवर संस्था है भारत में, उसका बड़ी बड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अभी हम ये मान लें कि CIA के आदमी है, आप अगर आरोप खुले तो देखिए अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, थोड़ा सा लाउडली। हाँ बोला, अरविंद केजरीवाल को तो जेल जाना चाहिए। किस बारे में? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसकी पहली जिम्मेदारी बनती थी कि कोई भी व्यक्ति रास्ता ना, आप प्रोटेस्ट करो लेकिन आपके प्रोटेस्ट से दूसरे लोग परेशान नहीं होना चाहिए, तो पहली जिम्मेदारी वहां का जो LDM है उसकी जिम्मेदारी बनती कि रास्ता कैसे रोका गया, और फिर उस रास्ता रोकने के बाद उसका जो जिहादी स्वरूप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक स्थिति आई कि पूरी कॉलोनियां जल गई, कई लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे। तो इस पूरे सिस्टम में अगर कोई गुनहगार है तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और सबसे पहले FIR इसके अगेंस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम नाकाम हो गया था, तो इसके खिलाफ FIR हो गया और तमाम सारे दंगों की जांच इसके माध्यम से शुरू करनी चाहिए, इसको उठा के पहले जेल में डालना चाहिए। पर जब राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हो पा रहा, इसके खिलाफ होगा, इसके खिलाफ भी होगा, इसके खिलाफ भी होगा, दिल्ली विकास प्राधिकरण की इसके खिलाफ जांच होगी, जितने भी यहाँ पे जो इसने स्कूलों में जो काम किया है, जो यूनिसेफ के पैसे से जो स्कूलों की टैंक डिजाइन जो बदल दी, और जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया उसकी भी जांच होगी, है ना? ये तो जेल जाएगा। तो किशोर समिति जी भविष्य में अब किस दिशा में जाएंगे? भविष्य में अभी तो क्योंकि आपने एक ऐसा बर्रे के छत्ते में हाथ डाला हुआ है कि हर पार्टी आपके साथ बैठने से कतराती है, डरती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा ने तो निकाल ही दिया आपको, बाकी और पार्टियां तो ऐसे ही। मैं BSP में था, BSP सपा के बाद मैं BSP में गया था, BSP मायावती का कोई बड़ा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं था। तो राहुल गांधी के लोग हर पार्टी ये स्थिति है, हर पार्टी। तो अब आप भविष्य में आप आगे आपका पॉलिटिकल करियर किस तरह से, आप जब आप विधायक रह चुके हैं पॉलिटिक्स में ही आ जाना है, तो आप किस तरह से, आप निर्दलीय लड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, आप किस तरह से इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं? मैंने अभी संपूर्ण क्रांति पार्टी के नाम से एक मंडल बनाया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने 30/8/2019 को अप्लीकेशन किया इलेक्शन कमीशन में। इन्हीं दलों के प्रेशर में मुझे अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, बताइए। ये इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना है। मैं अभी सोचा हूँ कि अगर मुझे इलेक्शन कमीशन 1 महीने में नहीं देगा तो फिर मैं यहीं दिल्ली में पदयात्रा रोज करूँगा, यहाँ से पदयात्रा राजघाट से लेकर चुनाव आयोग तक, कि जब तक मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं देगा मुझे पदयात्रा रोज करूँगा, क्योंकि और प्रोटेस्ट के अलावा मैं नहीं मानता दुनिया में प्रोटेस्ट से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। सरकारें डरती है प्रोटेस्ट से, सरकारें डरती है विरोध से, कोई भी सिस्टम डरता है विरोध से, तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा तभी ये सिस्टम ठीक होगा, उसके बिना कुछ। बहुत धन्यवाद किशोर समृद्धि जी कि आपने अपना समय निकाला, और मैं चाहूँगा कि आप समय समय पर इंडिया स्पीक्स डेली में जब भी दिल्ली आएँ, अभी आप शायद मध्य प्रदेश में ही रह रहे हैं,
मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भी लगातार बदल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा में आए हैं और मैं तो मांग करूंगा कि कल को अगर शिवराज सिंह चौहान बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो उस दौर में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, अदालतों में जा सकता है, अदालतों की उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, मैं तो ये कहूंगा हाईकोर्ट का अदालतों के उत्पीड़न का शिकार हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी या वहां की सरकार सपोर्ट करती है तो शायद ये लड़ाई में और आगे जा सकते हैं। इंडिया स्पीक्स डेली, उनके पाठक, उनके दर्शक और हमारी टीम से आपके साथ हमेशा शुभकामनाएं हैं। हम चिट्ठी की तरह जहां भी आपकी सहायता में आ सकते हैं हम हमेशा हाजिर हैं। बहुत धन्यवाद।